नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएम की न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की पहली पानी के अंदर बनने वाली सुरंग के बारे में, जो कि 14.85 किलोमीटर लंबी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से असम तक सड़क परिवहन पहले से ज्यादा और मजबूत हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश से असम तक के लिए सड़क परिवहन को तेज करने के लिए टनल बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। ये सुरंग नदी के नीचे बनने वाली सबसे लंबी सुरंग होगी। इससे पहले पूर्वी चीन के ताइहू झील के नीचे इस सुरंग बन रही थी। असम में गोहपुर NH-54 से नुमालीगढ़ NH-37 को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सुरंग के विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। ये सुरंग अमेरिकी कंपनी की ओर से बनाई जाएगी। अमेरिका के लुईस बर्चर कंपनी ने यह सुरंग बनाने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट और DPR को तैयार कर लिया है। इस सुरंग की खास बात यह है कि इसके अंदर से सैन्य वाहन और हथियारों से लैस वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। साल 2020 के दिसंबर महीने से इस सुरंग को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सुरंग के अंदर हवा का दबाव काफी कम होगा। इसके लिए सुरंग के अंदर ताजी हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग लाइट की व्यवस्था और इमरजेंसी एग्जिट की सुविधाएं भी दी जाएगी। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।